सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस में दो दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारनपुर के देवन अम्बेटा मार्ग पर ग्राम लखनौती के निकट सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस में सवार महिलाओं बच्चों सहित दो दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने बस के शीशों को तोड़कर घायल यात्रियों को बाहर निकाला और देवन सीएचसी में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्राइवेट बस है, ये चकवाला से देवन आ रही थी, किसी कारणों बस पलट गई है, लोग इंजर्ड हुए हैं, बहुत कुछ जा रहा है। सवा मेरा साथी बस में आ रहा था बैठ के, मेरी इससे पहले बस में बात हो रही थी फोन पे, तो इनका फोन जैसा ही कटा मैं अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद ही इनका फोन आया मेरे पे, कहने लगा भाई बस पलट गई। मैं तुरंत गाड़ी लेकर जनता स्कूल पे से भागा और इसे फिर तुरंत वहाँ जाके देखा, बहुत बुरा आलम हुआ पड़ा, मतलब कोई नहीं, फेस हिस्सा तोड़ के जो है इन्हें सबको निकलवाए। मेरे और भी एक जितेंद्र था, वो था मैं था, तीन चार जनों ने हमने बाहर निकाल लेने, चोट बहुत भयंकर थी, सबको बाहर निकाल के अस्पताल, लोगों की बसें रुक, मतलब कार वगैरह रुकवा रुकवो के भिजवाते रहे मोटरसाइकिलों पे। लगभग ऐसे हो गए होंगे इसमें 500 आदमी घायल हैं, सब जितने भी थे सारे घायल हैं। गांव जिला यमुनानगर, अपने घर जा रहे थे जी, एक गाड़ी पता नहीं जी क्या फैल हुआ एकदम गई गड्ढे में जी।